मस्त मसालेदार लाजवाब शानदार सोडा मिला दे। हाँ सोडी भाई, अभी बनाता हूँ। लेकिन सोडा बनाने के पहले मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ, ताकि बाद में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या बात है अब्दुल, बताओ। मेहता साहब, बात यह है कि आज से सोडा का भाव 3 रुपए बढ़ गया है। क्या अब्दुल, तुम्हें दूध का भाव बढ़ा दिया, अभी सोडे का भाव बढ़ा दिया, बंगला वगैरह लेने का सोच रहे क्या? यार भाई, 3 रुपए में कहाँ बंगला बन जाएगा? वो क्या, दूध का भाव बढ़ गया था तो मैंने आप लोग को बताया नहीं, तो आप लोग नाराज हो गए। इसलिए मैंने सोचा कि सोडा का भाव बढ़ गया है तो मैं पहले ही बता दूं। हाँ अब्दुल, पर ऐसे महंगाई के जमाने में तू हर चीज का भाव बढ़ाता रहेगा तो ये तो गलत बात है ना। क्या करो आदि भाई, सब चीज महंगी हो गई ना। बर्फ महंगा हो गया है, नींबू महंगा हो गया है, 2 साल से मैंने सोडा का भाव बढ़ाया भी नहीं ना। नहीं, तेरी बात बराबर है अब्दुल, लेकिन क्या है, कस्टमर जो होता है ना, उसको सब चीज सस्ते में ही चाहिए होती है। जीठा भाई, मुझे भी परवड़ना चाहिए ना। सबको परवड़ता है, फिर तुमको क्यों नहीं परवड़ता? मतलब? अरे मतलब मेरे ऑफिस के नीचे भी एक सोडा वाला है, वो तुमसे सस्ते में मेरे को सोडा पिलाता है। बोलो। पिलाता होगा अय्यर भाई, पर क्वालिटी में फर्क है ना। तेरी गलत है, ठीक है, पर यार तू ऐसे हर चीज का भाव बढ़ा देगा तो किवें चलेगा? अरे यार अब्दुल, तेरे दूध के भाव बढ़ाने के चक्कर में मेरी सुबह की चाय से दूध गायब हो गया, और अब लगता है तेरे सोडे के भाव बढ़ाने के चक्कर में ये रात का सोडा भी बंद हो जाएगा। सही बात है भाई, तुम्हें भिड़े और पोपट लाल का अभी तक आए नहीं बोलो। गुड इवनिंग पोपट लाल। अरे गुड इवनिंग भिड़े, चलो सोडा पीते। भाई फाइनली मैंने तुझे अब्दुल से सस्ता दूध देने वाला ढूंढ कर दे दिया। तुमने ढूंढा? अरे भाई, मैं संतोष को तुम्हारे घर पर लेकर आया, तभी तो तुम संतोष को फोन लगा रहे थे। मैंने ही ढूंढा ना भाई। हाँ भाई हाँ, तुमने ढूंढा बस, ऐसे मान लिया करो ना। अरे हाँ भिड़े, मैं क्या कह रहा हूँ, अब्दुल को अभी बोल देते हैं ना कि हमें देसी कंपनी का दूध उसे सस्ते में देने वाला मिल गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलना है। सुबह बड़े व्हाट्सएप हो रहा था ना कि मेरे से देसी कंपनी का दूध सस्ते में कोई दे ही नहीं सकता, अभी उसे पता चलेगा कि वो कितना गलत है। चल सुना। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है भाई, आज आप सब लोग जल्दी आ गए? नहीं भाई, जल्दी कोई नहीं आए, तुम और ये भिड़े तुम दोनों लेट हो गए। तो भाई हो जाती है भाई कभी कभी देर, उसमें क्या है? नहीं, कोई लेट आता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, लेकिन मैं जब भी लेट आता हूँ तो भिड़े का बहुत प्रॉब्लम होता है ना। जेठालाल, सोसाइटी की मीटिंग में मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ, तुम लेट आते हो तो मुझे प्रॉब्लम होता है। ये नहीं 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 भाई, इधर है सोडा सोपा भी, मैं कभी कभी 1-2 मिनट लेट हो जाता तो इधर भी सुनाता है तू। ठीक है ना, तो होता है कभी कभी लेट। नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू आइंदा याद रखना। बाकी मंडली सब बढ़िया है ना? आत्माराम, वैसे तो सब बढ़िया है, लेकिन आज से अब्दुल ने सोडे का भाव 3 रुपए बढ़ा दिया है। क्या भाई, ते डायरेक्ट 3 रुपए बढ़ाए अब्दुल? अब्दुल तेरा चल क्या रहा है? दूध का भाव बढ़ा दिया, सोडा का भाव बढ़ा दिया, हर चीज का दाम बढ़ा रहा है। लगता है अब्दुल के मन में लालच पैदा हो रहा है। नहीं नहीं भिड़े भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। नींबू महंगे हो गया है, बर्फ महंगा हो गया है, बिजली का बिल ज्यादा आने लग गया है, पुराने दम में मुझे परवड़ता नहीं है ना। लेकिन भाई तू हर चीज का ऐसे दाम बढ़ाएगा तो हमको नहीं परवड़ेगा। हाँ मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। ओ अब्दुल, अब ये दाम वाम की बात छोड़ यार, अभी तेरा फर्स्ट क्लास सोडा पिला। हाँ। और भाव के ऊपर बाद में बात कर लेंगे। हाँ बराबर बराबर। हाँ सॉरी भाई, अभी बनाता हूँ। सोडी भाई, सोडा रेडी है। लाओ लाओ लाओ, देखे तो सही चक्के महंगी सोडा लगती है कैसे है। अब्दुल, ये 3 रुपए महंगी सोडा का स्वाद तो वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है। क्या भिड़े भाई, ऐसा बोल रहे हो आप? तो और क्या बोलूं भाई, तुम हर चीज के दाम बढ़ाते जा रहे हो। ले भाई, ये भाव में ये क्वालिटी का सोडा अब्दुल के अलावा कोई नहीं पिला सकता है। वैसे तो सुबह दूध के बारे में भी तूने ऐसा ही कहा था कि मैं जिस भाव में दूध दे रहा हूँ उस भाव में आपको कोई नहीं दे सकता। हाँ तो मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला था। अरे भाई एक मिनट, अच्छा मुझे एक बात बताओ अब्दुल, ये बाजू में जो कुसुम सोसाइटी है वहां पे तुम दूध देते थे ना, तो बंद क्यों कर दिया अचानक? बस ऐसे ही ऐसे ही। हाँ मैं बताता हूँ,
एक्चुअली बाजू की सोसाइटी में अब्दुल ने दूध देना बंद नहीं किया है, बाजू की सोसाइटी वालों ने अब्दुल से दूध लेना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब्दुल ने दूध के भाव बढ़ा दिए, जबकि सेम टू सेम देसी कंपनी का दूध जो अब्दुल हमें 60 रुपए लीटर बेचता था, एक संतोष करके आदमी है वो उस सोसाइटी में 55 रुपए में बेच रहा है। क्या बात कर रहे हो भिड़े, सेम कंपनी का दूध संतोष 5 रुपए कम में दे रहा है? हाँ हाँ, सेम टू सेम कंपनी का दूध, देसी कंपनी का दूध। नहीं नहीं भिड़े भाई, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल है अब्दुल, मैंने पूरी बात जानने के बाद ही ये बोला है, मैंने पूरी इंक्वायरी की है भाई। मैं नहीं मानता कि मुझसे सस्ता देसी दूध कोई दे सकता है। अरे भाई तू भले ही मत मान, लेकिन मैं और भिड़े आज संतोष से मिले हैं, उसे सारी बातें की है, और उसने कहा है कि अगर पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का ऑर्डर हम उसे देते हैं तो वो हमें भी 55 रुपए प्रति लीटर में दूध देने को तैयार है।